हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग मस्ती करते हुए निकल रहे हैं कहीं घूमने के लिए। तो कहाँ निकल रहे हैं घूमने के लिए, पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोगों को मस्ती दिखेगी। कहाँ जा रहे हैं ये सारा कुछ पता चल जाएगा। पहले ब्लॉग को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, बिल्कुल पूरा ब्लॉग वॉच कीजिएगा और बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में। तो मैं संजना और बच्चे मेरे दोनों निकल रहे हैं अपने हबीब जी के साथ कहीं घूमने के लिए, और मम्मी घर पर हैं। तो खाना पीना कुछ भी नहीं, मतलब जल्दी निकले थे, खाना मम्मी के लिए बना के रख दिया था। खाने में सिर्फ दाल चावल ही बनाए थे, तो क्योंकि मम्मी को ज़्यादा पसंद है तो वो वही खा लेंगे। और रास्ते में आई थिंक 11 से ऊपर टाइम था, तो हम लोग को थोड़ी थोड़ी भूख लगाई थी, तो हम लोगों ने रास्ते में खाया समोसा चाट। संजना को पसंद थी, संजना ने बोली, और मेरे लिए भी मेरे हस्बैंड लेने गए और मेरी गुड़िया रानी भी आगे खा रही हैं। तो वो हम लोग इंजॉय कर रहे थे रास्ते में बैठ के। और फिर हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुंचेंगे जहाँ पे हमें जाना है। तो बने रहिए आप। कहाँ जा रहे मेरे बच्चों की खुशी देखो, मामा के घर पे जाने की। अब मेरी तबीयत डाउन, पापा क्या लेने के गए बाबू के लिए? कोंडिंग लेने के लिए। फूटी वाली फूटी पियोगे? पापा तो अभी हम लोग जा रहे हैं, शाम तक वापसी हो जाएगी हम लोगों की। हम जा रहे हैं मामा के पास, लेकिन हम लोगों की एंट्री हो चुकी है। किसको खिला रहे हो? किसको खिलाए थे? किसको? तो अभी हम अपने घर पे आ चुके हैं, यानी कि अपने मायके वाले घर पे। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी यहाँ पे आने का, मतलब 5 से 6 महीना आई थिंक हो गया होगा कि मैं यहाँ पे नहीं आ पाई थी। मुझे कुछ ज़रूरी काम वगैरह करने थे यहाँ पे, तो काम की वजह से मुझे आना था ये मैं डेली सोच रही थी। और हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता था कभी भी मतलब, तो मैं डेली बोलती थी कि एक दिन मुझे ले चलो। तो आज हस्बैंड जी ने टाइम निकाला था आने के लिए, तो आज फाइनली हम अपने मायके वाले घर में आए थे। तो संजना भी एक्चुअली मेरे साथ आई थी, क्योंकि संजना की और मेरी निसी की ज़्यादा फ्रेंडशिप है, तो भाभी ले आना, मतलब ले चलो, और उधर से प्रेशर पड़ रहा था लेके आना, दीदी लेके आना। तो मैंने कहा चलो 2-4 घंटे की बात है, चलो आराम से चलो इन्जॉय कर लेना तुम भी वहाँ चल के। और मेरे बच्चे भी आए थे, क्योंकि बच्चे तो मान ही नहीं सकते थे, और इलेक्शन की छुट्टी भी थी ताशु के 2 दिन की, तो मैंने सोचा चलो इनको भी घुमा देती हूँ, क्योंकि बच्चों की भी खुशी होती है ना मामा के घर पे आने की। और इधर बच्चों के लिए चॉकलेट्स रखी हुई थी पूरा पैकेट, क्योंकि मेरे एक भाई हैं वो बाहर की कंट्री में मतलब घूमते रहते हैं, तो मैक्सिको गए थे, तो मैक्सिको से लेके आए थे ये वाली चॉकलेट्स, जो कि फ्रॉग की शेप में थी बिल्कुल, मतलब यहाँ पे इंडिया में तो ये वाली मैंने कभी नहीं देखी है, न्यू मतलब चॉकलेट्स थी बिल्कुल। तो बच्चों के लिए लेके आए थे वो, मेरी मतलब सिस्टर लोग रखी थी कि जब भी बच्चे आएंगे तभी उनको दूँगी। तो इतना ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे बच्चे इनका फ्रॉग को देख के, डर भी रहे थे, तो हम सब लोग मजाक कर रहे थे इससे। तो सच में अच्छी थी यार, खाने में भी काफ़ी टेस्टी थी, मतलब तो खाने में उतना टेस्ट शायद मुझे ही नहीं लगा, बट बच्चों को तो पसंद ही आता सारा कुछ ये। तो आप भी देखिए फ्रॉग की शेप किस तरीके से, मतलब चॉकलेट लेके आए थे मेरे भाई। तो यहाँ पर हम सभी लोग मस्ती करते हुए बच्चों को मतलब परेशान कर रहे थे, देखो फ्रॉग है, फ्रॉग जंप करेगा आपके ऊपर। नमकीन खा लो, सेब भी खा लो, पापा को भी खाओ।
किसी को लो, अब बताओ को मामा दे दो, बोलो मामा दे दो, क्या चाहिए बताओ? घूमने वाला चाहिए, साइकिल लाए तुम्हारे लिए। दिखा दिखा पापा को मम्मा और बदल रही। त्रिशा आ जाओ, त्रिशा को भाग करो, मैं भी तुम और तुम प्यार करो, मैं भी देखे देखे चल पाए साइकिल तुम्हारी पिंक कलर की है। अब खेलो जाके जाओ, इसके अंदर वाला ये खाने वाला है, वो बाद में निकाल निकाल लेना अभी, ठीक है? आ जाओ, मुझे कौन खिलाएगा? क्या है? आ जाओ, ध्यान से। कौन है मेरा फ्रेंड? आज बहुत अच्छी है तो छोड़ना नहीं। कौन है मेरा फ्रेंड? जल्दी ताशु ना आ जाए, जल्दी जल्दी। सीधे मुंह पर अटैक करके आ गया, यही है मेरा दोस्त, जल्दी बैठना। और इसके बाद हमारा लंच रेडी हो चुका था, क्योंकि हम लोग लंच करके नहीं आए थे, सोचा था कि जल्दी से निकल जाएंगे तो कुछ टाइम वहाँ पे स्पेंड कर लेंगे, और अगर मतलब लंच के चक्कर में पड़ेंगे घर पे तो वही 1-2 बज जाएगा निकलते निकलते, तो फिर हम कुछ भी टाइम नहीं वहाँ पे रुक पाएंगे। तो यहाँ पे जब अगर जल्दी जाएंगे तो जल्दी से जाके पूरा दिन वहाँ पे स्पेंड कर लेंगे आराम से, वहीं पे लंच वगैरह करके फिर शाम तक निकल आएंगे। तो यहाँ पे लंच वगैरह चल रहा है तो मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं थी, तो मैंने अभी खाना कुछ नहीं खाया, मैंने कहा जब मुझे भूख लगेगी तब मैं ले लूँगी इसके, और इनके पापा सभी लोग खाना खा रहे थे। और ये है शाम का टाइम, शाम के टाइम पे सरे सो चुका था, फिर उठा था सरे तो उसको लगी थी प्यास काफ़ी तेज़ों से, और हम लोगों की शाम की चाय रेडी कर रही थी हमारी निशी, तो वो अभी हम लोग चाय पी के अभी प्लान हो रहा था कि कहीं चलते हैं कहीं चलते हैं, क्योंकि शाम के टाइम हमारे यहाँ पे जो मंदिर है वहाँ पे काफ़ी अच्छा मतलब लगता है, बहुत अच्छा, और नदी भी है वहाँ पे पास में, तो वहाँ का व्यू इतना अच्छा, इतना ठंडा मौसम वहाँ पे होता, गर्मियों में वहाँ का तो मज़ा ही कुछ और है। तो वहाँ का प्लान हो रहा था यहाँ पे कि चलेंगे चलेंगे, प्लान करते करते तो देखो हम लोग निकलते हैं वहाँ के लिए, तो वहाँ का मतलब व्यू इंजॉय कीजिए आप लोग कि कैसा लगता मेरे यहाँ पे मंदिर में। हमारा न्यू ड्राइवर जिससे हमें बिल्कुल भी बिलीव नहीं है कि ये ले जा पाए। और फिर हम सभी लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, और यहाँ पे मेरा भाई ड्राइविंग करके लिए जा रहा है, और मेरे हब्बी जी नहीं जा रहे थे, बहुत ज़्यादा पीछे पड़ के, पर वो बहुत पीछे से बाइक से आएंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं रह गई थी, सभी लोग जा रहे थे तो गाड़ी फुल हो चुकी थी। और वहाँ का सच में शाम के टाइम जाने का मज़ा ही कुछ और है, वैसे दिन में तो कोई भी नहीं जाता, मतलब दिन में वहाँ बैठो या अच्छा रहता, बट वहाँ तक जाना धूप में बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। और उसके बाद हमारे भाई यहाँ पे ड्राइविंग करके लिए जा रहे थे, क्योंकि ये इनको बहुत शौक है ना गाड़ी चलाने की, तो इनके साथ वैसे मुझे तो काफ़ी डर लग रहा था जाने में, अगर सब मतलब मुझे विश्वास था कि मैं हाँ मैं चला लूँगा। तो देखो बस गाँव के अंदर थोड़ा सा ही पास में मतलब है मंदिर, और वहाँ पे नदी भी है, वहाँ पे बहुत ठंडा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस हम अपनी लोकेशन पे पहुँच गए, जो आपके सामने मंदिर दिख रहा है वही मंदिर है।
और इधर हम सभी लोग पानी में खूब ज़्यादा इंजॉय किया। कम से कम 1-1.5 घंटा हम लोगों ने खूब ज़्यादा मस्ती की। फिर निकल के हम लोग जा रहे थे अपने घर की तरफ और शरीर तो पूरा भीग गया था। वो तो इतना ज़्यादा मस्त हो जाता है पानी वगैरह खेलने में। बहुत से बच्चा ज़्यादा डर जाते हैं बट हमारा शरीर तो इतना ज़्यादा खेलता है। और इधर हमारे हस्बैंड जी मैच खेलने में बिजी थे क्योंकि वैसे तो आने वाले नहीं यहाँ पे थे। वो आ गए हैं तो खींच खाच के यहाँ पे लड़कों ने सभी ने मैच मतलब बोला कि यहाँ पे खेलो खेलो जीजू खेलो प्लीज़ जीजू। तो जीजू भी खेलने में मस्त हो गए थे यहाँ पे मैच। तो इनको तो हम छोड़ देंगे ऐसे खेलते हुए और हम सभी लोग निकल जाएंगे घर को क्योंकि श्रेय एकदम से भीग गया तो उनके कपड़े भी चेंज करने थे वरना तबीयत ख़राब हो जाएगी कि भीगे कपड़े पहनेगा। तो इसीलिए वैसे तो हम लोग थोड़ी देर और रुकते मगर श्रेय की वजह से अब फटाफट से हम लोगों को निकलना होगा यहाँ पे। तो यहाँ से निकल रहे हैं फिर उसके बाद किसी का मन हो रहा था कि नहीं रोड पे चलो मेन रोड पे वहाँ पे हम लोग जूस पियेंगे चल के। तो देखो क्या होता है कि घर पे जाते हैं कि मेन रोड पे जाके जूस वगैरह यहाँ इन लोगों को पिला देते हैं। तो बस अब हम लोग सभी की जिद पे हम मेन रोड पे यहाँ पे गन्ने का जूस वगैरह मिल जाता है तो वो पीने के लिए हम लोग रोड पे आ चुके थे मेन रोड पे हमारे गांव की। तो यहाँ पे मैं पैसे भी नहीं लेके आती क्योंकि हम लोग गांव में बस ऐसे ही मस्ती करने के लिए गए थे तो वहाँ पे पैसे ले जाना कोई ज़रूरी भी नहीं था। तो हम सभी लोग यहाँ पे गन्ने का जूस पीने आ गए थे मस्ती करने के बाद। सभी कैंडिडेट यहाँ पे गाँव की रोड पे जूस वगैरह और फास्ट फूड ये हम अपने घर में एंट्री हो चुकी है घूम घाम के और श्रेय ने कपड़े इतना भिगो लिए हैं कि बिल्कुल नहीं, इसलिए हमको और जल्दी आना पड़ा वहाँ से क्योंकि ये भीगा रहता तो इसकी तबीयत ख़राब हो जाती। तो हो चुकी थी रात। रात का खाना खा के फिर मेरे हस्बैंड जी और संजना और श्रेय तो नहीं गया था
और तासु निकल चुके थे और मुझे मेरी सिस्टर ने काफ़ी जिद की मुझे कि दो तीन दिन रुक लो रुक लो रुक लो। तो इतना पीछे पड़ने के बाद मैं और श्रेय दोनों लोग अभी रुक गए थे दो चार दिन के लिए। अभी देखो मैं कब जाती हूँ यहाँ से, कुछ पता नहीं। तो बस ये वाला ब्लॉग मैं यहीं तक रखूँगी और उसके बाद का नेक्स्ट डे अगर शूट करूँगी यहाँ पे रहूँगी यहाँ की मस्ती कुछ। तो अगर आपको हमारा ये वाला ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और फिर से मायके वाली मस्ती आपको देखने को मिलेगी। तो इसीलिए हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कॉमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल ऑफ यू।